है तो आप तो नौकरी की बात कर रहे हैं, आपको चपरासी और हवलदार बनने की बात कर रहे हैं, इन लोग विधानसभा निकलने का तैयारी में है, इन लोग विधानसभा निकलने का तैयारी में है और आप कहां सोए हुए हैं। आने वाला दिन फिर परिसीमन होगा और परिसीमन किस प्रकार किया जाएगा पता है? आधा शहर की आबादी और आधा गांव की आबादी को जोड़ा जाएगा, क्योंकि इन लोग जानता है कि जो लोग बाहर जाए है ना, उन लोग एकजुट है कि झारखंडी को छोड़ के सबको वोट देंगे और झारखंडी को पते नहीं किसको देना है। आने वाला 2024 या 2026 में परिसीमन पक्का होगा। आज जो आपकी 21 विधानसभा है, 120 से 140 विधानसभा बनेगी, उस समय इसी प्रकार का परिसीमन होगा। जो आदिवासी बंधु लोग सोच रहे कि रिजर्व चिट्टे हैं, उनको भी उस समय आभास होगा जब परिसीमन होगा। आधा गांव की आबादी, आधा शहर की आबादी, और नहीं तो क्या करेगी पता है? आवास योजना को चलता है, शहर में को बोर्ड चलता है, उन विधानसभा में उनको लाने का बसाने का काम किया जाएगा जो ग्रामीण विधानसभाएं हैं, जो ग्रामीण विधानसभाएं हैं, जहां लोकल जो भी जीते, रिजर्व सीट रहे, अन रिजर्व सीट रहे, जहां से लोकल झारखंडी जीत के जाता है, उन विधानसभाओं में वे बाहरी वोटर जो बढ़ चुके हैं अन्य क्षेत्रों में, उन्हें बसाने का काम करेंगे। उसी क्रम में हमारा धनबाद में वो सिंदरी है, थोड़ा आपको बता देते हैं। सिंदरी का अभी फिलहाल तो 30-40 साल का हमको जहां तक हम जानते हैं लोकल जीता, चाहे वो किसी समुदाय का रहे, किसी धर्म का रहे, जीता है झारखंडी। लेकिन अब वहां क्या हो रहा है पता है? 18,000 क्वार्टर बनाया जा रहा है। 18,000 क्वार्टर, अगर एक क्वार्टर में 5 आदमी रहता है तो 18×5=90,000 विधानसभा खत्म कर दिया। लेकिन झारखंड के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ हो क्या रहा है, इन्हें बस अपना रोजमर्रा की जिंदगी से फुर्सत ही नहीं है, इसीलिए आज ये लड़ाई बहुत आवश्यक है। आज कोलांचल से कोल्हान हमारा आने का मकसद ही यही है कि इस लड़ाई में आपको भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। और कोल्हान तो वीरों की धरती रही है, ढाल विद्रोह, चुहाड़ विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह, सब विद्रोह इस माटी से दिया गया है।